हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज की मेरी ये रेसिपी विंटर स्पेशल रेसिपी है और ये 2-in-1 रेसिपी है। आप इसे चाहें तो पूरी या फिर कचौड़ी कुछ भी कह सकते हैं, और आप इसे मेरे इस तरीके से एक बार बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। और ये रेसिपी आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी रख सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैंने ये पालक लिया है, इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसे ग्राइंडर में डालेंगे और इसको हमें पीस लेना है। तो देखिए, इसके बाद मैंने 1.5 कटोरी आटा लिया है, गेहूं का आटा है ये। और इसके बाद हमने ये जो पेस्ट बनाया था पालक का, हम इसे ऐड कर देंगे इसमें। और इसके बाद मैंने ये 2 आलू लिए हैं, ये उबले हुए आलू हैं, इसको ग्रेट करके ऐड करेंगे। ये 1 बड़े साइज़ का प्याज है, इसको हम कट करके ऐड कर देंगे इसमें। 1 हरी मिर्च डाल देंगे, जो के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर दीजिए। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मसाला डाल दीजिए 1/3 चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं इसमें। और देखिए, 1 छोटी चम्मच जीरा ऐड किया, 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन ऐड कर देंगे और 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, इससे क्रिस्पी बनेगी। और देखिए, उसके बाद इसमें हम धनिया पत्ती ऐड कर देंगे और अब इसे हम हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, इस तरह से आप इसके मसाले इसमें अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और इसमें हम ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसमें एक इसका डो लगाएंगे। और देखिए, इस तरह से आप इसका एक डो लगा लीजिए, अच्छे से नीट कीजिए इसको आप। और इसके बाद हम इसकी एक पूरी बनाएंगे। आपको इसको बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको तब बेल लीजिए और इसकी छोटे छोटे साइज़ की इस तरह की पूरियां बना लीजिए। और देखिए, अभी रेडी है। आप चाहे तो इसमें प्याज पालक के साथ डालकर भी पीस सकते हैं, या फिर इसको जिस तरह से मैंने ऐड की उस तरह से डाल सकते हैं। और देखिए, इसी तरह से हम बाकी की भी सभी पूरी बनाकर रेडी कर लेंगे। और इसके बाद मैंने ये ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है, इसको हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है। और देखिए, इस तरह से हम इसमें पूरी डालेंगे और इसके ऊपर इस तरह से ऑयल डालेंगे इसके ऊपर, और इसको क्रिस्पी होने तक हम पका लेंगे। और देखिए, आप इसे इस तरह से फ्राई कर लीजिए तक इस पर गोल्डन ब्राउन कलर या फिर ये क्रिस्पी नहीं हो जाती, तब तक आप इसे पका लीजिए। बाकी की भी हम इसी तरह बनाएंगे। और देखिए, रेडी है हमारी पूरी या फिर कचौड़ी की रेसिपी। आप इसे जो भी कहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और देखिए, ये कितनी टेस्टी है। आप इसको सब्जी के साथ या फिर दही के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।